सेंसिटिविटी नाम का चेंज नहीं है क्या? ऐसा कोई कूद के आता तो चिल्लाने का रहता है, कुछ नहीं, एकदम इमोशनलेस लड़की। कल ही रात को स्टोरी बता रही थी बचपन में कुछ, वो उसके बिल्डिंग में रेती का पूरा टेढ़ा रिकॉर्ड हुआ रे देवा। स्टोरी बोलता हूँ। तो फिर कल ऐसा कुछ बोल रही थी, जिसके बिल्डिंग में रहती था सॉफ्ट वाला, तो ये और इसके डैडी खेलने जाते थे, हमेशा ऐसा कूदती थी। एक बार कूदी और पैर पे जोर से लगा, बाहर आया तो सोच रही थी कि कुछ जोर से लगा रहे, देखा तो इतना बड़ा कांच घुस गया था। ना रोई ना कुछ हुआ, डैडी मम्मी बहुत रोए बट ये लड़की नहीं रोई। तो इसी से मैं बोल रहा था सेंसिटिविटी तो बहुत है इसमें, तो ये सारा सब कुछ सेंसिटिविटी बहुत नहीं है इसमें, तो ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑब्वियसली YouTube। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे, बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को बता तुम तो सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि फिलहाल मैं कॉफी पीऊंगा जो मैंने कल बनाया था। टुडे इज अ संडे, आई जस्ट होप इट्स अ गुड संडे। फिर मैं लेग्स ट्रेन करने जाऊंगा और फिर आज कुछ प्लान है। मामा नहीं कुछ नहीं, घर साफ करने। घर, ओ शिट, घर साफ। मेरे साथ प्रोटीन पीने चलो, जबरदस्ती चलो, मुझको क्या फर्क पड़ता है। घर साफ करना वो इसके लिए बोल रही थी। ओ शिट, नहीं पहले मैं पूपी करना चाहूंगा। इट्स ए फ्रेंडली रिमाइंडर टू एवरीवन टू कट योर नेल्स। मेरे को मिल नहीं रहा था इसके लिए मैंने नहीं काटा, तुमको तो मिल जाएगा ना, काट लो। अब मैं जिम जाता हूँ, चलो। तो आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ जिम जाने के लिए, तो लेट हो गया इन द सेंस 2 बजे आज बंद हो जाएगा और अभी 1:15 हो रहा है। और सिंस मेरा अभी पुश पुल लेग्स है, तो हर बॉडी पार्ट मेरा हफ्ते में 2 बार आएगा, लेग्स भी 2 बार आएगा हफ्ते में। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन पे मैं क्वाड्स करूँ और एक दिन पे हैमस्ट्रिंग, ऐसे डिवाइड करूँ। आज मेरा क्वाड्स है, देखते हैं क्या क्या कर पाता हूँ मैं। चलो जिम में। चलो पहले साफ कर लेते हैं फिर पीते हैं। नहीं पहले पिएगा, चलो आ जाओ। दरवाजा कौन बंद करेगा? स्विगी वाला भी आके साथ में पिएगा। बंद करते हो ना? नहीं नहीं बंद। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। शर्कुश गाइस, आज तुम्हारे लिए दिखाया है शर्कुश। भक्के अंदर जा शर्कुश, शर्कुश गर्ल अंदर चली जा। वाओ, देखो वैसे तो मेरा प्लान था कि अगर लाइट्स रहते रहते ये आ जाता तो बहुत बढ़िया सा खुद के लिए रील बनाता, बट ये टाइम पे नहीं है। बाप रे, पैकेजिंग कितना अच्छा होता भाई स्टारबक्स का। ये क्या है, ये क्या है भाई? मग दिया है क्या मेरे को फ्री में? नहीं भाई, वही बढ़िया पैकेजिंग के साथ आते हैं तो। ओबे अंदर इतना क्या,
शपोट उपोट के साथ दिया हुआ है भाई। ऐसे में तो संतरा मिलता है बाहर। अंडा रखेंगे। हमारे अंडे भी इसमें ही आते हैं क्या? है क्या ये? कौन सा है? मैं खुश हो गया था यार, मेरे को लगा मेरे को मग दे दिया, कॉफी मग दे दिया। ये लो, ये तुम्हारा। गाइस इसके लिए पिंक ड्रिंक मंगवाए। लो फैट ना। कल व्लॉग क्यों नहीं डाला पता चलेगा तुम लोग को। हमें ऐसा शौक नहीं है, मेरे को व्लॉग नहीं डालना था। इट्स जस्ट आई वाज टू बिजी। मैंने तुम लोगों को बोला था कि मेरे को रूम क्लीन करना है और हम वही कर रहे थे। देख रहे हो तुम, यहाँ पर पूरा कपड़ा 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 था। हमारा घर कितना अच्छा है। तुम लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा इजी है क्लीनिंग करना, तो मेरे हिसाब से तुम लोगों ने कभी क्लीनिंग किया नहीं है। मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि क्लीनिंग क्या है, उठा के रखना ही तो है सब कुछ जगह पे। That hurts. तो now मतलब मैं ऐसा सोच रहा था कि या तो मैं क्लीनिंग करूँ या तो मैं बाहर चला जाऊँ कुछ शूट करने। बट देन आई रियलाइज कि आई एम अ ग्रोन मैन नाउ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैव चेंज्ड, माई प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड, आई एम अ फैमिली मैन नाउ, है कि नहीं? तो इसलिए हम दोनों ने भी मिलके पूरा चकाचक कर डाला अपने घर को, है ना। हमारा स्टूडियो रूम भी थोड़ा सा सॉर्ट किया हमने, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा सॉर्ट किया। तो अभी मैं सुबह सुबह क्लास लिया हूँ, बट वेदर चेंज की वजह से मेरे कुछ स्टूडेंट्स बीमार हो गए, तो मैंने एक और क्लास अपना कैंसिल कर दिया। मतलब ऐसा उनके बारे में सोचना चाहिए मैं। बाकी आज का प्लान ऐसा है कि मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ, मैं और रिया हमारे फ्रेंड से मिल रहे हैं। तुम लोगों को पता है तुम लोग मिले हो, मेरे गिने चुने ही फ्रेंड्स हैं। तो वैसे तो मैं जाने वाला था 1:12:30 को जिम, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकल जाओ जिम, है ना, क्योंकि हम लोग को निकलना है गुड़गांव। तो मिलते हैं जिम में। आज है वापस से पुश। ये देखो, ये हमने क्लोथिंग रैक और ये पूरा कॉर्नर सॉर्ट कर लिया शूट करने के लिए। बोला था ना काम किए ले, बहुत काम किए ले। ये भी बहुत ज़्यादा मेसी था, बट नाउ आई एम हैप्पी। मेसी तो अभी भी है। आई रियलाइज कि जब तुम एक बॉय से मैन में कन्वर्ट होते हो, दैट इज द टाइम यू हैव टू मेक थिंग्स रेडी फॉर योरसेल्फ। यू विल नो लॉन्गर गेट थिंग्स रेडी ऑलरेडी। मेरे को लगा मैं आऊंगा और इसके अंदर सीधा मास्क डस्टबिन के अंदर डालने का शॉट दूंगा, बट वैसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने ही कचरा उठा के बाहर डाला था। जब भी कूड़ा कलेक्ट करने आए थे तब रियलाइज while doing this, I'm a man. पहले मम्मी के ऊपर dependent रहता था, अभी I do it all by myself because my lovely lady she's taking a good nap. क्योंकि मैं जब जिम से वापस आऊँगा वही मेरे लिए खाना बनाएगी। We have to divide things. Things have changed. My brothers, have things changed for you? Please let me know. Or am I the only one? God damn, too much English. भाई तो तुम्हारा भाई वर्कआउट करके आ चुका है, और आज मैंने अपना वर्कआउट कुछ ऐसा रखा था कि जो वर्कआउट मैंने लास्ट वाले पुश सेशन में नहीं किया था वो वर्कआउट मैंने ये वाले में कंप्लीट किया। मतलब अपने हिसाब से जैसा मुझको कंफर्टेबल लग रहा था और जैसा मुझको लग रहा था कि मेरे बॉडी को ज़रूरत है उस हिसाब से किया। अभी मैं जा रहा हूँ रोहित से मिलने, मीन गाय, यू गाइज नो हिम, है कि नहीं। और तुम्हारा भाई मतलब बैक टू बैक जो कपड़े पहन रहा है ना, तुम लोगों को देख के एकदम कुदुम मचेगा। क्या मचेगा? कुदुम, बोलो मेरे साथ कुदुम। गॉड डैम, बोलो साथ में कुदुम। बहुत अच्छा लग रहा है पूरा कलर टोन, ये बाल भी एक नंबर। बोले तुम्हारा भाई हीरो, बोलो एक साथ में कुदुम, है कि नहीं। लड़की भी बढ़िया लग रही है, नीचे जाके बताता हूँ। फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, हम लोग को पहुँचना था 4 बजे, बट अभी बज ही रहे हैं 4 और हमको 1 घंटा दूर जाना है यहाँ से। व्हाट इट इज, आज ही बोल रहा था कि आई एम अ चेंज्ड मैन, आई थिंक आई हैव माय डेज। कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, बट कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं रिया के बगल में जाके छुप जाऊँ।
मुझे कुछ नहीं करना. So I'd rather call myself a man who's evolving right now. लड़की को देखोगे? Oh god damn. Sheesh. चश्मा पहन के बताओ ना. जल्दी चश्मा पहनो ना. तो नाच के दिखाओ ना. बताओ बताओ चश्मा पहन के बताओ. कुदुम बोलो. कुदुम बहुत नाइस लग रहा है. My bro is here. Hello. Vishwas. Shubhankar. Vishwas. My bro. Time फिर से गलत? नहीं नहीं अभी अभी बहुत सही टाइम पे है. फिर से लेट. चले. वो तो हमको भी नहीं पता. तुमसे पूछने वाले थे. ठीक है. ढूंढना पड़ेगा ब्रो. बड़ा बोल रही है. हमको भी नहीं पता. मन का आइडिया था इतने से इसमें जाने. वो तो वो छोटा सा होगा. वही टॉडलर के लिए बनाया हुआ है ये तो. हाँ कितना क्यूट है. बने क्यूट है लेकिन धोखा. वो तो ठीक है. सुसु किधर करने का इधर? अरे बैठने का जगह नहीं है. देख मैं तेरा अकेला दोस्त हूँ. यहाँ भेज दिया मैंने वो लोग को. क्या? अच्छा. हाँ जा. वाह पैसा पैसा निकल रहा है. वाह मनी मैन. मीन गाय. मनी मैन. मनी मैन ब्रो. मनी मीन मैन. हां यार ये चेंज कर देना. ये अफोर्ड वेरी मच पैसा. अच्छा हंस दिया क्या? भाई मैं क्यों बोल रहा था मनी मैन. मैं अभी तुम लोगों को गाड़ी में बैठ के बताता हूँ. इट्स अ पब्लिक. थैंक यू. इट्स अ पब्लिक प्लेस तो मैं ऐसा बता नहीं सकता. यहाँ पर खोलिए. बट वेरी मच मनी मनी मैन. इफ यू हैव रोहित एज अ फ्रेंड प्लीज टू मीट हिम. है ना? और उसके फोन उठाया करो. आई नीड सम न्यू फ्रेंड्स. हाँ हाँ देख रहे हो द मनी स्मार्ट. हैशटैग है भाई. बहुत पैसा है मेरे पास. भाई बहुत पैसा है. ये बैग में पैसा है. ये स्टारबक्स नहीं है. ये स्टारबक्स नहीं है. देखो मैं तुम लोगों को डिफरेंस बताता हूँ. कल तुम्हारा भाई स्टारबक्स मंगा रहा था क्योंकि 190 का बड़ा ड्रिंक मिल. ये भाई लेके आया स्टारबक्स के. इसमें कुछ तो भी बलता ही चीज. तुम लोगों में बताता हूँ क्या है. फकिंग शिट. ऐसा दोस्त मेरा कोई नहीं था. कोई नहीं था. मैं बोल रहा हूँ ना. गलती कर दिया भाई. ऐसा दोस्त मेरा कोई नहीं था जिंदगी में. कोई नहीं. इतना फॉर्मेलिटी. बाबा बाबा. फॉर्मेलिटी नहीं है. मैनर्स. नहीं फॉर्मेलिटी. वही मैनर्स. एम फॉर मैनर्स. एम फॉर मनी. विद मनी कम्स मैनर्स. आई हैव नो मनी. एम फॉर मर जाऊं मैं. नहीं भाई आज तो तुम्हारे भाई का थंबनेल भी महंगा होगा. एकदम हाई क्वालिटी. देख रहा हूँ. लेंस देखो मूवी का. ये वही है जिस पे अपन ने शूट करा था. नहीं भाई तभी तो तुम्हारा भाई महंगा दिख रहा है पूरे वीडियो में. ये भी वीडियो नहीं देखा तो देखना चाहिए तुम लोग को. वॉच हटा दिए. ऑन रिंग नोट ऑफिशियल. ये भाई लिंक डाल देगा. भाई फुल शाउट आउट भी देखा. एकदम मनी वाला शाउट आउट है. मतलब वेरी कैजुअल. भाई शिट. पीछे 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 पीछे
देख रहा है मनी मैन ने हम दोनों को एज अ प्रॉप यूज भी कर लिया, हमको पता भी नहीं चला साइड में देख रहा है। फाइनली हम लोग को बहुत टाइम हो गया घर आके, बट फिर लड़की का बहुत ज्यादा मन था आज बिग बॉस देखने का, क्योंकि आज प्रेस वाले आए थे और हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट की बजा रहे थे, तो वो हम लोग देखने गए थे ना। और फाइनली अभी टाइम है रिवील करने का कि रोहित एक्चुअली क्या लेके आया। तो मैं रिवील करने से पहले बोलती था ऐसा जोक्स अपार्ट, मैं मतलब बहुत मजाक करता हूँ, उसका बहुत मजाक उड़ाता भी हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि रोहित इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन फ्रेंड जो हमको इन अ लॉन्ग टाइम मिला है ना, ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम ही लगा लो फर्स्ट टाइम, मेरे लिए सेकंड थर्ड टाइम, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम। मतलब मैं बहुत कुछ ऐसा सीखता हूँ उससे कि मतलब गिफ्ट विफ्ट लेके जाने का, ऑल्दो हम लोग इतना ज्यादा बात नहीं करते, वही फोन करता है हालचाल पूछने के लिए और मैं उठाता नहीं हूँ, बट क्योंकि मैं मतलब ऐसे सराउंडिंग में रहा नहीं हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि वी शुड ब्रिंग बैक वो हेल्दी फ्रेंडशिप है ना। मतलब रोहित इज द काइंड ऑफ गाय जो मतलब सब पे ऐसे चेक इन करेगा, हाँ है ना, एकदम मैनर्स वाला, मतलब हाँ मतलब so एकदम ओल्ड स्कूल। अब वो ये टाइम तो बिलोंग ही नहीं करता है कि मतलब हाँ मैं तेरे से मीम्स भेज के बात करूंगा ऐसा, मतलब जेन्युइनली जैसा फ्रेंडशिप हम लोग ने सुना है, हम सुन के बड़े हुए वैसा मतलब, वो मेरे को इससे पता चला, मेरे को लगा स्टारबक्स क्यों मेरे को दे रहा है, बट बाद में उसने बोला कि ये हाउस वार्मिंग का गिफ्ट है और उसने ये जिन उसने हमको गिफ्ट किया, क्योंकि हमारा प्लान बना था कि नए घर पे हम लोग साथ में पार्टी करेंगे, बट उसको इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा, बट मैं मेक श्योर करूंगा कि ये हम लोग खाती पिए, क्योंकि हम लोग वापस से दिसंबर में मिल रहे हैं स्पाइडरमैन देखने के लिए। और मेरे को वही बोलने आया, मेरे को थोड़ा सा ऐसा गिल्ट हो रहा था क्योंकि मेरे को एनजाइटी इश्यूज की वजह से मैं अब फोन नहीं उठा था किसी का भी, मेरे को पूरे दिन में बहुत फोन आते रहते बट मैं किसी का भी फोन नहीं उठा था क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता है फोन उठाने को। जो भी है, रोहित को मैं एकदम दिल से प्यार करता हूँ, है ना, और मतलब ऐसा वो एक है, आज के दिन के बाद मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि एक कोई ऐसा है जिसके साथ में चिल करना ये करूंगा, तो हम लोग का दिसंबर का भी प्लान हो गया, हमारा जैन का भी प्लान हो गया साथ में चिल करने का। ही समवन, अगर उसके कोई भी फ्रेंड्स ये ब्लॉग देख रहे हैं या अगर रोहित तुम्हारा फ्रेंड है ऑलरेडी, सेव हिम एट एनी कॉस्ट, वी नीड मोर फ्रेंड्स लाइक हिम। और बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत सारा चीज है, न्यू हैश का नया लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी एक प्रिंट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है। डैम, इज इट, कल ही रात को गया और स्टॉक भी हो गया, गॉड डैम, वी आर मेकिंग सम नॉइज। तो वही है, और बाकी मैं अपना रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, है कि नहीं, उसका डिटेल मैं कल के ब्लॉग में दे दूंगा तुम लोग को, क्योंकि आज का ब्लॉग ज्यादा बड़ा हो गया, या दे देना चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लेना, मैं स्टोरी पे मेंशन कर दूंगा, और कल के ब्लॉग में भी एक बार बोल दूंगा क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही रखते, तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब और दुआ, अपन तुम लोगों को मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, और पीस आइंदा कभी पूरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा, चल जा निकल ऐसे लोग का मिलने।